For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में कायरव के किडनैपिंग का ट्रैक चल रहा था, लेकिन अब जल्दी ही शो में एक बार फिर से हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू होने वाला है और इस ड्रामे में जल्दी ही वेदिका को बड़ा झटका लगने वाला है। बीते दिनों इस सीरियल में वेदिका के एक्स हस्बैंड की एंट्री हुई थी, जिसके चलते वेदिका की सास से अटकी हुई थी, लेकिन अब कायरव के किडनैपिंग के बाद अक्षत को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं अब इसके बाद फैंस की नजरें वेदिका, कार्तिक और नायरा की जिंदगी में आ चुकी हैं कि अब कार्तिक किसका साथ देगा। वेल, ये तो सभी जानते हैं कि कार्तिक और नायरा एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन कार्तिक के ऊपर वेदिका की जिम्मेदारी भी है, तो ऐसे में कार्तिक किसका साथ चुनेगा ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन कार्तिक को इस बात का एहसास हो चुका है कि वो नायरा के अलावा किसी के भी साथ नहीं रह सकता है। ऐसे में कार्तिक नायरा से अपने दिल की बात कहेगा, लेकिन नायरा उसके साथ रियूनियन करने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो वेदिका के साथ कुछ भी इनजस्टिस नहीं होने देना चाहती है। लेकिन अब ऐसे में बात की जाए दादी की, तो वो कार्तिक की खुशी के लिए इस बार नायरा को चुनने वाले हैं। जी हाँ, शो के अपकमिंग ट्रैक में आपको ये देखने को मिल सकता है कि अब जल्दी ही कार्तिक नायरा एक हो जाएंगे, क्योंकि अब दादी नायरा से कार्तिक और उसे एक साथ रहने के लिए कहने वाली है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अब नायरा दादी के इस फरमान को सुनकर क्या फैसला लेगी। शो से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।